हाय एवरीवन वेलकम टू जे के एस एस बी एमर्स एमर्स में आपका फिर से बहुत सारा स्वागत है दोस्तों आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया सीरीज में पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं आपके जेके एस एस बी एग्ज़ाम के लिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं आपके जेके एस एस पी एग्ज़ाम में आगे भी होते रहेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम वट परसेंट ऑफ इंडियन टेरेन रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इंडिया का कितने परसेंट एरिया जो है वो बिलो से फाइव सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है ऑप्शन ए थर्टी फाइव परसेंट बी फोर्टी फाइव परसेंट सी फोर्टी परसेंट एंड डी थर्टी परसेंट राइट आंसर इज ऑप्शन ए थर्टी फाइव परसेंट दैट इज इंडिया का जो वन थर्ड पार्ट है दैट इज थर्टी फाइव परसेंट वो बिलो से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है ऑप्शन ए मॉनसून बी ओशियन करंट सी अप्रॉक्सीमेटी टू एक एंडी एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओशियन करंट जो है वो इतना अफेक्ट नहीं करता है इंडियन क्लाइमेट को एज़ कम्पेयर टू मोनसून हो गया डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर हो गया एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज इंडिया का सबसे ड्राइस्ट पार्ट कौन सा है ऑप्शन ए वेस्टर्न राजस्थान बी जम्मू एंड कश्मीर सी गुजरात एंड डी मध्य प्रदेश फ्रेंड्स द राइट आंसर ऑप्शन ए बेस्टर्न राजस्थान बेस्टर राजस्थान जो है वहाँ पे रेनफॉल जो है वो बिलो 25 सेंटीमीटर से भी कम है देर फॉर द डाइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज बेस्टर्न राजस्थान साउथ वेस्ट विंड्स आर अट्रैक्टेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन रेनी सीजन बाई विच आर फॉलिंग साउथ वेस्ट विंडस जो हैं वो अट्रैक्ट करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर रेनी सीजन में इनमें से किस रीज़न से ऑप्शन नंबर ए इज़ लो एयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया राइट आंसर इज ऑप्शन ए लो प्रेशर एरिया इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया होता क्या है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर एक्सेसिव हीट के कारण लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिससे विंड्स जो है एयर जो है वो मूव करती है फ्रॉम द साउथ वेस्ट एरिया दैट इज़ एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट इंडिया राइट आंसर इज ऑप्शन ए दी कास्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैव टू फेस विच आउट फॉलोइंग नेचर कैलमिटी जो कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को इनमें से कौन सी नेचर कैलमिटी को फेस करता है ऑप्शन ए साइक्लोन बी अर्थक्यूक सी लैंड स्लाइड एंड डी टोरेंडो राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइक्लोन साइक्लोन जो है वो हिट करता है मेनली आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा विच आर द फॉलिंग रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो रेनफॉल फॉल रिसीव करती है बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑप्शन ए तमिलनाडु बी असम, सी केरला एंड डी वेस्ट बंगाल राइट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु जो है वो रिसीव करता है रेनफॉल को बिकॉज इट फॉल्स इन द बे ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर दो फॉलिंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है इन A, B, C, आप आप दे दे द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर ऑप्शन ए हिल्स ऑफ गारो खासी एंड जेंटिया बी प्लाटू ऑफ छोटा नागपुर सी कोरोमंडल कास्ट एंड डी मालवा प्लाटू फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोरोमंडल कास्ट जो है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको हम रिटेटिंग मानसून भी बोलते हैं ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून के टाइम तमिलनाडु जो है वो ड्राई रहता है बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए इट इज लोकेट इन रेन शेडो एरिया बी टेम्परेचर इज सो हाई दैट विंड ड गेट कोल्ड सी विंड डू नॉट रीच दिस एरिया

ऑप्शन ए इरेगुलर नेचर बी ग्रोइंग नेचर सी डायमेंसिंग नेचर एंड डी साइक्लिक नेचर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डायमेंसिंग नेचर जो नेचर ऑफ मानसून है वो गुवाहाटी टू चंडीगढ़ डायमेंशिंग नेचर का हो जाता है बिकॉज बिकॉज ऑफ लो मॉइस्चर कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस इन इंडिया इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जो इंडिया का सबसे ह्यूमिड प्लेस है ऑप्शन ए महाबिलाश्वर बी चेरा सी उदम गमंडलम डी माश्रम राइट आंसर इज ऑप्शन डी माश्रम माश्रम इन मेघालय इज द मोस्ट बेटेस्ट प्लेस इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर इज इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ रेनफॉल जो है वो बिलो फिफ्टी सेंटीमीटर है ऑप्शन ए मेघालय बी ले इन कश्मीर सी कोरोमंडल कास्ट एंड डी कौनकोन कास्ट फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ले इन कश्मीर इज द प्लेस बेयर रेनफॉल इज बिलो फिफ्टी सेंटीमीटर और इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है द फ्लैश फ्लड इज लेटर विद विच ऑफ द फॉलिंग फ्लैश फ्लड जो है इनमें से किससे रिलेटेड है ऑप्शन ए इंसर्जेंट स्टॉम बी साइक्लो साइक्लोनिक स्टॉम सी सुनामी एंड डी टोरोंडो राइट आंसर इज ऑप्शन बी साइक्लोनिक स्टॉम इज रिलेटेड विद द फ्लैश फ्लड द साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ द इंटायर इंडिया बाय साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इंटायर इंडिया को कब तक कवर कर लेता है ऑप्शन ए फिफ्थ जून बी फिफ्टींथ जून सी फर्स्ट जुलाई एंड डी फिफ्टीथ जुलाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी बाई फिफ्टीथ जुलाई मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून वो इंटर तो इंडिया में केरला कास्ट पर फर्स्ट जून तक इंटर कर लेता है बट इट टेक्स टाइम एंड बाई फिफ्टींथ जुलाई इट कवर्स इंटायर इंडिया विच वन ऑफ द फॉलिंग कास्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट फैक्टर बाय बॉयलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन इनमें से कौन सा ऐसा कास्ट है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ट्रापिक ट्रॉपिकल साइक्लोन से ऑप्शन ए मालवर कास्ट बी आंध्र प्रदेश सी कोंकण कन एंड डी गुजरात दी राइट आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय बॉयलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया विच आर फॉलोइंग टू स्टेट्स आर प्रोन टू साइक्लोन ड्यूरिंग रिटीटिंग मानसून सीजन इनमें से कौन सी ऐसी दो स्टेट्स हैं जो साइक्लोन से अफेक्टेड होती है ड्यूरिंग रिटीटिंग मानसून सीजन ऑप्शन ए कर्नाटका एंड केरला बी पंजाब एंड हरियाणा सी बिहार एंड असम एंड डी आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा राइट आंसर इज ऑप्शन डी आंध्रा प्रदेश एंड उड़ीसा जो है वो दो स्टेट्स जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड बाई रिटेटिंग मानसून जो हमें विंटर्स में देखने को मिलता है दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू दिल्ली जो है वो विंटर रेनफॉल इनमें से किसकी वजह से रिसीव करता है ऑप्शन ए साउथ वेस्ट मानसून बी नॉर्थ ईस्ट मानसून सी कन्सर रेन एंड डी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज राइट आंसर इज ऑप्शन डी दिल्ली जो है वो विंटर रेनफॉल रिसीव करता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द मेजर काज ऑफ अक्टूबर हीट इनमें से कौन सा एक मेजर कारण है अक्टूबर हीट का ऑप्शन ए हाइट एंड ड्राई वेदर बी वेरी लो बिंड सी लो प्रेशर सिस्टम्स ओवर द इंडियो गंगेटिक प्लेन दी हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी राइट आंसर इज ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर एसोशिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी इज द मेजर काज ऑफ अक्टूबर हीट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो रेनफॉल रिसीव करती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑप्शन ए पंजाब बी वेस्ट बंगाल सी केरला एंड डी गुजरात राइट आंसर इज ऑप्शन ए पंजाब जो है वो रेनफॉल रिसीव करती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस वाई डज द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट बोथ रिसीव सफिशियंट रेनफॉल बट डिकेन प्लाटू रिसीव सकेंडी रेनफॉल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है बहुत सफिशियंट रेन फॉल रिसीव करते हैं बट डिकेन प्लाटू जो है बहुत सफिशियंट रेनफॉल नहीं रिसीव करता है इसका क्या रीजन है ऑप्शन ए इट इज़ रेन शेडो एरिया जस्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज इट इज लोकेटेड इन रेन शेडो एरिया नॉर्थ वेस्टर्स आर थंडर स्टॉम विच आर प्रोमिनेंट इन नॉर्थ जो कि एक थंडर स्टॉम है वो इनमें से कौन से कंट्री में ज़्यादा प्रोमिनेंट है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर इसका आंसर नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें वहाँ आपको जो क्लाइमेट पार्ट फर्स्ट क्लाइमेट पार्ट सेकेंड एंड क्लाइमेट पार्ट थर्ड का जो एक मॉक टेस्ट भी अभी जल्द ही देखने को मिलेगा तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप जो पढ़े आपको याद भी रहे और आपको अपनी प्रोग्रेस भी पता चलती रहे तो चलिए फिनिश करते हैं आज के सेशन में बस इतना ही प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग